वेलकम टू गॉड स्टूडेंट्स, सर्वलेट ट्यूटोरियल्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेंड रिडायरेक्ट मेथड पर। सेंड रिडायरेक्ट मेथड क्या होती है, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं हमारे सर्वलेट के अंदर, किस तरीके से हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। और बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपको ऐसे बेहतरीन बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और आपको बेल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये सारे वीडियोस मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं सेंड रीडायरेक्ट मेथड। द सेंड रीडायरेक्ट मेथड ऑफ एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस कैन बी यूज टू रीडायरेक्ट सॉरी इंटरफेस कैन बी used to redirect response to another resource, it may be servlet, JSP or HTML file. आपकी send redirect method जो होती है वो HTTP servlet response interface की एक method होती है। तो आपको सभी को मालूम होगा कि ये method किसके अंदर available होती है, ये आपके HTTP servlet response के अंदर available होती है। Can be used to redirect response to another resource, it may be servlet. और क्या करती है, जो भी आप इसके थ्रू वैल्यूज को पास करते हो वो क्या करेगा, वो आपको नेक्स्ट पेज पर क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा। वो भले ही सर्वलेट हो, जेएसपी हो, एचटीएमएल फाइल हो, कुछ भी हो, उसके अंदर क्या करेगा, आपको अनदर रिस्पॉन्स पे क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा। किस तरीके से रिडायरेक्ट करेगा उसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे बच्चों। और अगर मैं इस मेथड की सिग्नेचर की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पब्लिक वर्ड सेंड रिडायरेक्ट मेथड है, स्ट्रिंग यूआरएल थ्रू आईओ एक्सेप्शन। यहां पर स्ट्रिंग यूआरएल में हम लोग क्या पास करते हैं, जिस पेज पर हमको रिडायरेक्ट कराना है उसको हम इस स्ट्रिंग यूआरएल के अंदर पास करते हैं उसकी वैल्यूज को। तो क्या करता है ये मेथड, उस डायरेक्टली उस पेज को ओपन करता है। तो किस तरीके से काम करता है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं प्रोग्राम के अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमने इसका कोड किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर हमने क्या बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया है सेंड रिडायरेक्ट करके। यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं index.html पेज के अंदर। तो index.html पेज के अंदर हमने क्या बनाया, एक फॉर्म बनाया है। इस फॉर्म के अंदर हमने एक्शन क्या लिया है, माई कोडर। यहाँ पर हमने कोई भी मेथड एक्सप्लिसिटली यूज नहीं किया है। तो आप सभी को मालूम है अगर हम कोई एक्सप्लिसिटली कोई मेथड यूज नहीं करते हैं तो ये डायरेक्टली किसको कॉल करेगा, गेट मेथड को कॉल करेगा। तो हमको सर्वलेट के अंदर भी डू गेस्ट की जगह, डू पोस्ट की जगह डू गेट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिया है, इनपुट टैग लिया है, टाइप टेक्स्ट लिया है, नेम नेम लिया है। और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, जो भी हम यहाँ पर नेम पास करेंगे वो यहाँ पर एज ए इनपुट एज ए रिस्पॉन्स जाएगा सर्वर के पास में। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिया है, सबमिट बटन लिया है। सबमिट बटन पे हमने नाम क्या दिया है, गूगल पेज। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, माय कोडर पर चलते हैं। तो देखते हैं माय कोडर कहाँ डिक्लेयर है। तो हम लोग कहाँ पे चलेंगे, web.xml के अंदर माय कोडर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट यहाँ चेक करते हैं। और वो कौन से पैकेज के अंदर है, com.coder के अंदर कोडर सर्च करके पेज जो अवेलेबल होगा वो किसके अंदर अवेलेबल होगा, ये जावा रिसोर्स के अंदर com.coder पैकेज के अंदर कोडर सर्च डॉट जावा। यहाँ पर देखिए हमने किस तरीके कोडिंग की है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर हम जो रिस्पॉन्स ले रहे हैं वो किस टाइप का ले रहे हैं, मेथड कौन सी वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किस मेथड को इम्प्लीमेंट किया है, डू गेट मेथड को किया है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स थ्रो। इसके बाद हमने यहाँ पर डायरेक्टली कॉल किया है क्योंकि हम यहाँ पर सेंड रिडायरेक्ट कर रहे हैं किसी और पेज पर। तो यहाँ पर हमने कोई यहाँ पर सेट कंटेंट टाइप और गेट राइटर को यहाँ पर कॉल नहीं किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग नेम रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर नेम में जो भी हमारी नेम में वैल्यू आने वाली है उसको हम क्या कर रहे हैं, गेट पैरामीटर मेथड के थ्रू यहाँ पर रीड कर रहे हैं। और पास किसके अंदर कर रहे हैं, नेम के अंदर पास कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है, रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के थ्रू हमने किसको कॉल किया है, सेंड रिडायरेक्ट मेथड को कॉल किया है। आप सभी को पता है कि जो हमने मेथड देखी तो किसकी मेथड है, वो हमारी जो मेथड अवेलेबल थी मैंने आपको बताया था किसके कौन से इंटरफेस के अंदर अवेलेबल थी। तो आपने देखा था वो सर्वलेट एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स मेथड के अंदर वो अवेलेबल थी। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर इसके अंदर वो मेथड अवेलेबल थी, तो हमने यहाँ पर किस ऑब्जेक्ट का यूज किया है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज किया है, और रिस्पॉन्स के थ्रू हमने किसको कॉल किया है, सेंड रिडायरेक्ट मेथड को। और इसके अंदर हमने क्या पास किया, स्ट्रिंग यूआरएल पास किया है। स्ट्रिंग यूआरएल में हमने लिखा है www.google.com क्यू, और यहाँ पर हमने क्या पास किया है, जो भी हम इस नेम के अंदर, जो भी हम उस टेक्स के अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पर आएगा और इसको क्या करेगा, वो सर्च करेगा। ठीक है, तो बच्चों हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये हमारा फ्लो काम करता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज क्या करेंगे, सर्वर करेंगे, और हम यहाँ पर इस पेज को क्या करेंगे, रन करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका सेंड रिडायरेक्ट का पेज आ गया। आप यहाँ पर कुछ भी चीज को सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज किया कोडर इंटरफेस ट्यूटोरियल। आप सभी को मालूम होगा कि हमारी एक ट्यूटोरियल वेबसाइट भी है जिस पर हमने अभी कोर जावा के सारे ट्यूटोरियल्स लिख रखे हैं। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग OCGP क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो आप इस साइट में जा सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया तो ये कहाँ पर ले जाएगा, गूगल सर्च पर ले जाएगा, और जहाँ भी इसको कोडर इंटरफेस ट्यूटोरियल नाम का पेज मिलेगा वहाँ पर जाकर रखेगा। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सर्च किया कोडर इंटरफेस ट्यूटोरियल, तो देखिए वहाँ पर लेके गया, यहाँ पर कोडर इंटरफेस जावा ट्यूटोरियल्स करके हमारी साइट मिल रही है। आप यहाँ पर जा सकते हैं और इस साइट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही साइट को ओपन करेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के कंटेंट्स को शो होंगे। तो अभी नॉर्मली हमने यहाँ पर देखे कलेक्शन फ्रेमवर्क का ट्यूटोरियल्स हैं, कोर जावा ट्यूटोरियल्स हैं, तो आप जावा ट्यूटोरियल्स पर सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारे जावा ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे रूप में प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिलेंगी, बहुत डीपली मिलेंगी, तो आप इस साइट पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा किस तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर सेंड रिडायरेक्ट वर्क करता है, किस तरीके से हमको एक पेज से दूसरे पेज पर क्या करता है, लेकर जाता है। और आपने देखा यहाँ पर जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल पढ़ा था रिक्वेस्ट डिस्पैचर, उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग इंक्लूड और फॉरवर्ड करते थे, लेकिन यहाँ पर हम इंक्लूड फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर रिस्पॉन्स भेज रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, वहां पर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों पैरामीटर का यूज करते थे, ऑब्जेक्ट का यूज करते थे, लेकिन हम लोग सेंड रिडायरेक्ट मेथड के अंदर केवल एक ही ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है रिस्पॉन्स, क्योंकि आपको सभी को पता है ये जो सेंड रिडायरेक्ट मेथड होती है वो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस के अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको सेंड रिडायरेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप खुद बना के देख सकते हैं ये प्रोग्राम। ओके बच्चों, तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, आप इसको देखिए और समझिए और प्रोग्राम बनाइए। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी ट्यूटोरियल को लेके, तो आप मुझे कमेंट में जाके मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल coderinterface.com। ओके, तो धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।